मुजफ्फरपुर पहुंचे हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी सुप्रीम मुकेश साहनी ने बताया कि हिंदी की अपनी एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही अहमियत है उसकी। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वो पिछड़े वर्ग के लिए आगे की राजनीति करने से कभी नहीं हटेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर आज मुजफ्फरपुर जिला के कूर्णी प्रखंड के मुरौल पहुंचे वीआईपी पार्टी के सुप्रीम और पूर्व मंत्री बिहार सरकार मुकेश साहनी ने बताया कि हिंदी की अहमियत बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक दृष्टि के लिए बेहद आवश्यक है और इसके लिए आयोजक धन्यवाद के पात्र भी हैं। राष्ट्रीय विकास संघम के इस कार्यक्रम में शरीक हुए मैं खुद को गौरवशाली मानता हूं। देश के पिछड़े वर्गों के लिए लड़ाई की बात कहते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि देश में जब भी पिछड़ा वर्ग के हक की बात आएगी, मुकेश सहनी हमेशा ही आगे आकर काम करेंगे। इसके साथ ही अपनी राजनीति सियासत को पिछड़ा और दबे कुचले लोगों के लिए काम करेंगे। अभी की सरकार भले ही पिछड़े वर्ग के हक और उनके अधिकार के लिए बात जरूर कर रही है, लेकिन वास्तविक रूप में आजादी के बाद से पिछड़ा वर्ग को जितना भी अधिकार और सहभागिता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है, और अब इसके लिए वो लड़ाई को लड़ेंगे और आगे भी अपनी लड़ाई को जारी रखने का काम करेंगे। इसके साथ ही अब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय विकास संगम के बैनर तले कार्यक्रम किया गया जिसपे सभी लोग यहाँ पे आए, खास करके हिंदी दिवस के सभी को शुभकामना दिया गया। बाबा साहब के बारे में बात को रखा गया, खास करके दलित पिछड़ा ओबीसी के लोग जो हैं आज वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं लिखाने में बहुत पीछे रह रहे हैं। तो इसके लिए लोगों के बीच में जागरूक किया गया कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए और संघर्ष कीजिए। बगैर संघर्ष किए हुए आपको कोई भी चीज़ हासिल नहीं होगा। इस देश को आज़ादी कराने के लिए भी हमारे पूर्वज ने संघर्ष किए, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किए तब जाके वो संविधान लिखे जिसमें हम लोगों के लिए एससी एसटी के लिए ओबीसी के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। आज किस तरीके से देश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, एक साजिश के तहत जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेचा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे विचारधारा वाले लोगों का सरकार देश में राज्य में बने, ताकि हम लोग अपने लोगों के लिए नौकरी हो या तमाम ऐसी सुविधा है जो खास करके संविधान में जो दिया हुआ अधिकार है वो हमारे लोगों के बीच में पहुंचे।